नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां पर युवती के साथ गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रियंका वाड्रा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा कटाक्ष किया है। प्रियंका वाड्रा के जलमार्ग से किए जा रहे प्रचार अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि तूफानी दौरा जलमार्ग से करने से उन्हें केवल जल ही दिखाई देगा, उन्हें थल में दौरा करना चाहिए। जब थल में जाएंगी तब उन्हें पता चलेगा कि इन 5 सालों में आम लोगों को उनकी सरकार ने कितना कुछ दिया है। अब इस तरह के दौरों से कांग्रेस की नैया पार नहीं होगी। देखिए, अब वो तूफानी दौरा कहाँ कर रही, जमीन पे तो कर नहीं रही, नदी के जल में कर रही, तो जल में उनको क्या दिखाई देगा? अगर वो जल से उतर के नदी के किनारे के गांव में जाएं, तो उनको लगेगा कांग्रेस के बाद 4.5 सालों में उन गाँव में हर घर को बिजली मिल गई सौभाग्य योजना में, हर घरों में धुएं से मुक्त रसोई गैस का चूल्हा मिल गया, हर घरों में इज्जत घर शौचालय बन गया है, हर घरों के किसान के खाते में 6,000 रुपये की पहली किस्त आ चुकी है, सिद्धार्थनगर में 63,000 परिवारों में किस्त आ गई, पढ़ाई दवाई के लिए आज किसी किसान को हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आज कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है धरती पे, इसलिए वो कांग्रेस की संभावनाओं को अब जल में खोजने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ डूबने के सिवा कांग्रेस के लिए कुछ है नहीं। देखिए, ये उनका फैसला है, वो चुनाव लड़े इस डर से, हो सकता न लड़ रही हो कि पिछली बार लोकसभा में बसपा का खाता नहीं खुला, कहीं इस बार लड़ने के बावजूद फिर खाता न खुले, तो हो सकता अपनी इज्जत बचाने के लिए न लड़ रही। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2.5 साल की मासूम बच्ची से दुराचार का मामला सामने आया है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इस घिनौने करतूत को अंजाम दिया है, जो पीड़िता का रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है। बहरहाल पीड़ित मासूम को तत्काल एलगिन अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। एक 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना घटित हुई है। इसमें जो घटना घटित करने वाला है वो उसका चचेरा बाबा है, दोनों के घर अगल बगल में। आरोपी को उठवा लिया गया है तत्काल, और इसमें इसको गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए और इसमें सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा। अभी बच्ची की क्या हालत? बच्ची की हालत अभी ठीक है और बातचीत कर रही है वो, अभी वो डॉक्टर साहब के उसको लगातार अच्छे कर रहा है, अभी ऐसी कोई गंभीर हालत नहीं है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी ये कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी और फरियादिया का मकान अगल बगल में। दोपहर को बच्ची खेल रही थी घर में, खेलते खेलते बाजू में चली गई छोटे वाले चाचा के घर। चाचा लड़की के साथ गलत करने की कोशिश किया, चाचा को गिरफ्तार किया, कर ली पुलिस ने गिरफ्तार। विजय चौधरी, आप सरोज चौधरी। कासगंज जिले के गांव भिदोना से 12 मार्च को शादी समारोह से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए 11 वर्षीय बच्चे का कोई अता पता नहीं चला। अब फिरौती पत्र आने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस मामले में परिजनों ने सौरव कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बच्चे की सकुशल बरामदगी की मांग उठाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बना रही CNN पर। तब तक के लिए नमस्कार।